अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपके लिए जो एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आए हैं, आज की वीडियो ये मेरी बैक साइड पे आप देख रहे हैं, एक प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर लगे हुए हैं। हम इसका यूज़ डिफरेंट जगह पे देखते हैं, एचवीएसी में हम इसको कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और इसके साथ जो इक्विपमेंट होता है वो और इसकी वर्किंग ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है, आज की वीडियो इसी से रिलेटेड है। आपको इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल से प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलेगी। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो। वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों सबसे पहले जब भी कहीं पे भी अगर आपके सामने हीट एक्सचेंजर का लफ्ज़ आता है तो आपके जहन में उसकी डेफिनेशन होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको इसके बारे में डेफिनेशन आपके जहन में क्लियर नहीं होगी तो मैं आपको एक छोटी सी जो इसकी मेन तीन डेफिनेशन हैं वो अपने जहन में रख लें कि हीट एक्सचेंजर आप कहीं पर भी देखते हैं या आपके सामने आता है तो आपके जहन में आना चाहिए कि भाई हीट एक्सचेंजर के साथ मिनिमम दो स्ट्रीम का होना ज़रूरी है। यानी कि दो स्ट्रीम का होना ज़रूरी क्या मतलब है, एक लिक्विड भी हो सकता है, एयर भी हो सकता है, लेकिन दो चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। सेकंड नंबर पे जो इसके अंदर मेन चीज़ है कि उन दोनों स्ट्रीम के अंदर डिफरेंस हो, यानी कि उनके एक टेम्परेचर डिफरेंस हो, एक का टेम्परेचर ज़्यादा एक का टेम्परेचर कम होना चाहिए, यानी कि दोनों स्ट्रीम के अंदर टेम्परेचर डिफरेंस का होना बहुत ज़रूरी है। थर्ड नंबर पर जो इसकी मेन शर्त है यानी कि हीट एक्सचेंजर की, वो ये है कि जो दो स्ट्रीम्स हों वो आपस में कहीं पे भी किसी भी जगह पे मिक्स नहीं होनी चाहिए, बल्कि सिर्फ आपकी एक दूसरे के साथ हीट एक्सचेंज होके वो क्रॉस कर जाते हैं। ये बेसिकली किसी भी मशीन की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए हम इनका यूज़ करते हैं। अब बात कर लेते हैं इस जगह पे इसका यूज़ करने का तरीका बेसिकली क्या होता है। ये आपके सामने इसके प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर के अंदर चार लाइनें कनेक्टेड है, दो इनलेट हैं और दो आउटलेट हैं, यानी कि एक साइड पे आपका हाई टेम्परेचर वाला लिक्विड होगा और दूसरी साइड पे आपका लो टेम्परेचर, जिसको एक को ठंडा करना है और एक ने ठंडा करना है। अब इनके दोनों के टेम्परेचर्स भी आपको वेरिएशंस भी दिखाऊंगा, इसके अंदर कितनी हीट एक्सचेंज हो रही है, और उसके साथ साथ इसकी प्लेट टाइप ये आपके सामने देख रहे हैं, ये बेसिकली जो प्लेट्स इसके अंदर आपको नज़र आ रही है, मैं भी स्टॉप करता हूँ वीडियो को, ये प्लेट्स हैं, ये आपस में कहीं पे भी ये आपके लिक्विड को मिक्स नहीं कर रही, इनके अंदर रबड़ की गैसकेट रखी जाती है और इनको आपने बड़ी एहतियात से टाइट करना होता है कि इनकी लीकेज वगैरह के चांसेस वगैरह ना हों। ठीक है, इनको ज़्यादा टाइट भी नहीं करना, इक्वल इनकी जो टाइट आपने करना अगर आप इनकी सर्विस वगैरह करते हैं, क्योंकि ये अक्सर जगह पे इनको आप एनुअल मेंटेनेंस के दौरान इनकी सर्विस वगैरह इनको खोल के प्लेट्स वगैरह की सर्विस करते हैं। तो आई होप आपको इसके डेफिनेशन भी समझ आ गई होगी। अब मैं आपको इसके डिटेल से जो टेम्परेचर इन और आउट हैं, और अभी हम ये जो है ये एक गैस जनरेटर के साथ इसको यूज़ करें, जैसा कि आप किसी भी गाड़ी के अंदर रेडिएटर के तौर पर ठंडा पानी गाड़ी के इंजन को ठंडा करने के लिए आप यूज़ करते हैं, इस जगह पर आप इसको डिफरेंट जगह पर एचवीएसी में कहाँ पर यूज़ करते हैं वो भी मैं आगे चल के आपको बता देता हूँ। अभी फ़िलहाल मैं इसकी वर्किंग, ये आपके सामने दो सर्कुलेटिंग पंप लगे हुए हैं। अच्छा, इसके अंदर एक क्लोज सर्कल होता है और एक ओपन सर्कल। ये ओपन सर्कल का आपके सामने सबसे पहले ये कूलिंग टावर से पानी ठंडा आ रहा है, ये आप देख रहे हैं, इस हेडर के अंदर पानी आएगा, ये कूलिंग टावर से लाइन आ रही है, इस हेडर में आएगा। दो पंप्स लगाए गए हैं, एक बैकअप पे है और एक वर्किंग में। ये वर्किंग में ये पंप चल रहा है, पंप की सक्शन में पानी आ रहा है, पंप की डिस्चार्ज लाइन हाई प्रेशर लाइन, ये पानी हमारे जाएगा। अब ये लाइन जा रही है हमारे इस हेडर में, इस हेडर से जाएगी हमारे वही प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर। अब इसको मैं दिखा देता हूँ जो डाउन साइड पे, ये बेसिकली ठंडा पानी है जिसने सारे जो दूसरी लाइन है ये पानी इन है, ये ठंडा पानी इन हो रहा है, ये आप देख रहे हैं। इसका टेम्परेचर भी आप देख लें, ये तकरीबन 40 टेम्परेचर है इसका, जो कूलिंग टावर से पानी आ रहा है उसका 40 टेम्परेचर के आसपास है, 38-40 टेम्परेचर इसका शो कर रहा है। ये पानी हमारा इस कूलिंग टावर से पानी जो आ रहा है वो यहाँ से आउट हो रहा है। अब इसने हीट एक्सचेंज कर ली हुई है, अब ये जाएगा हमारे वापस कूलिंग टावर में। ठीक है, ये पानी जो जा रहा है ये हमारे कूलिंग टावर में जा रहा है। अब ये हो गया हमारा ओपन साइकिल, अब इसने जिस पानी को ठंडा किया है, अब मैं उसको भी दिखा रहा हूँ। इसका टेम्परेचर आप देखेंगे तो ये 55 के आसपास चला गया, 56-54 के आसपास इसका टेम्परेचर, 14 सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर बढ़ गया, इसने हीट अपने अंदर जज़ब कर ली। अब किसकी जज़ब की ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अब हमने बेसिकली इस जनरेटर को ठंडा करना है, अब इस जनरेटर से जो पानी गर्म आ रहा है वो अब इसको काउंटर फ्लो हमने इसके अंदर प्लेट टाइप के अंदर जो हमारे जनरेटर की हीट है, जाहिर सी बात है आप रेडिएटर में और इसके इंजन के अंदर आप हीट पैदा होती है, इंजन को कूल रखने के लिए हम पानी यूज़ करते हैं जो कि कूलेंट, वो अब क्लोज सर्कल होता है। अब इसके अंदर एक बड़ी चीज़ है कि आप इसके अंदर डायरेक्ट कूलिंग टावर का पानी नहीं कर सकते, हालांकि वो ज़्यादा एफिशिएंट, लेकिन उसके अंदर क्या होता है कि वो स्केल वगैरह और क्रोजन वगैरह ना बन जाए इंजन के अंदर, इसलिए हम एक क्लोज साइकिल बना देते हैं। ये हमारा टॉप के ऊपर जो लाइन है ये हमारी इन है, उसकी टॉप की जो आउट है जो दूसरी साइड पर ये आउट है,
लेकिन ये इन है क्योंकि हमने इसके अंदर काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंज करनी है। तो ये आप देख रहे हैं, ये जो है लाइन, इसका टेम्परेचर आप देखेंगे तो ये तकरीबन 95 के पास इसका टेम्परेचर है जो इसके अंदर इन हो रहा है, यानी कि जो जिसको हमने ठंडा करना है ये जनरेटर से आ रही है लाइन। अब यहाँ पे हीट एक्सचेंज होगी और इसकी जो आउट होगी लाइन वो इसके, यानी कि ये जो लाइन इन है इसकी आउट लाइन इन प्लेट्स के दरमियान में आप देख रहे हैं, ये रबड़ के गैसकेट वगैरह नज़र आ रही है। हर प्लेट के दरमियान ये आपकी गैसकेट रखी जाती है कि पानी आपस में मिक्स ना हो, ठीक है। एक प्लेट आपकी ग्रीन वाली होगी, एक ऑरेंज वाली होगी, ये आप देख रहे हैं। अब इसने इसका 95 इसमें इन हो रहा था, 80 सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर डाउन करके ये जो लाइन जा रही है ये वापस आपके ये पंप लगा हुआ है जो इस पानी को, क्लोज साइकिल को, कूलेंट वाले पानी को इस इंजन के अंदर सर्कुलेट करा रहा है। अब इंजन के अंदर भी 3-4 जगह पे पानी सर्कुलेट होता है, इसके लिए भी मैं वो भी आपको साथ दिखा दूंगा, लेकिन ये पंप आपके इस प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर में पानी कर रहा है। यानी कि ग्रीन लाइन के अंदर अलग पंप लगा हुआ है, ऑरेंज लाइन के अंदर जो आपके जनरेटर की लाइन्स के अंदर है, ये जो टैंक आपके नज़र आ रहा है उसके लिए अलग पंप लगा है, ये जो टैंक नज़र आ रहा है ये बेसिकली प्रेशराइजेशन यूनिट है, प्रेशर मेंटेन करने के लिए। अगर पानी का प्रेशर वगैरह कम होगा इन लाइन में, इसको अब्जॉर्ब भी कर, ज़्यादा हो जाएगा तो अब्जॉर्ब करेगा और पूरा कम होगा तो इसको फिल कर देगा। तो ये आप देख रहे हैं, ये जो है ये लाइन आपकी बेसिकली बाईपास की लाइन लगाई गई है। अगर अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि हम HVAC में हीट एक्सचेंजर कहाँ कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपने डिस्ट्रिक्ट कूलिंग से रिलेटेड जानते हैं तो आपको पता है कि बिल्डिंग्स के अंदर आपको बहुत लंबी लाइन्स जो लेके जाना पड़ती हैं चिल्ड वाटर की। तो अब क्या होता है कि डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम में हर बिल्डिंग के अंदर हीट एक्सचेंजर लगा दिए जाते हैं और इसी तरह एक क्लोज सर्कल लगा के वो बिल्डिंग के अंदर पंप्स लगा के उसकी सर्कुलेशन करवा दी जाती है, जिसके अंदर आपकी एक चीज़ ये बचत हो जाती है कि आपको केमिकल की जो इतनी लंबी लाइन्स होती हैं अंडरग्राउंड होती हैं उनकी आपकी बचत हो जाती है। और आप उसको मेंटेन कैसे करते हैं, आप उसको प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर करके आगे का जो इक्विपमेंट होता है उसको आप क्लोज साइकिल के अंदर लेके वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह डिफरेंट जगह पे जहाँ पे हमें माइनस टेम्परेचर वाले कूलिंग टावर चाहिए, टेम्परेचर चिलर यूज़ करते हैं, वहाँ पे भी आए इस तरह के प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर कि आपकी जो मशीनरी है वो इक्विपमेंट है वो सेव हो सके किसी भी इंटरनल क्रोजन से, जंग वगैरह से, स्केल से। तो इस मकसद के लिए हम दो साइकिल का यूज़ कर लेते हैं। इसके अंदर हमें ये बेनिफिट होता है कि हमारा जो इक्विपमेंट होता है वो हमारा सेव हो जाता है। अब ये आप देख रहे हैं इसके अंदर डिफरेंट जगह पे हम पानी इन कर रहे हैं, एक प्लेट प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर ये लगा हुआ है जो आपके इंजन के अंदर सर्कुलेशन कर रहा है। उसके बाद इसका रेडिएटर भी होता है जहाँ से एयर सक्शन होती है, एयर ठंडी होती है जो मैनिफोल्ड वगैरह में जाती है। इंजन के रिलेटेड डिफरेंट जगह पे आपकी जितनी भी जगह पे कूल की रिक्वायरमेंट होती है हम इसी पानी को यूज़ करते हैं ठंडा करने के लिए। इन और आउट की लाइनें लगी हुई हैं जो पानी हमारे इस इंजन को ठंडा करके, और ये साइकिल चलता रहता है इसी तरीके से। आई होप आपको बड़े अच्छे तरीके से इन प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। फिर भी अगर आपकी कोई कन्फ्यूजन वगैरह तो उसको आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह उसके बारे में डिटेल से आपके साथ वीडियो शेयर कर देंगे। और उसके अलावा मैंने हीट एक्सचेंजर के ऊपर कंप्लीट डिटेल से इनकी जितनी भी इकसाम होती हैं उसके ऊपर मैंने एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है। अगर आप हीट एक्सचेंजर के बारे में जानना चाहते हैं ये कितनी टाइप्स के होते हैं और कहाँ कहाँ पर इनका यूज़ होता है, तो चैनल का विजिट देख करके आपको HVAC से रिलेटेड और हीट एक्सचेंजर वगैरह से रिलेटेड बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।